एवरीवन, दिस इज मी साथिया है। मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक और रीडिंग जो कि होगी फॉर हु एवर नीड्स इट और होगी क्विक वन एज वेल। टॉपिक रीडिंग का रहेगा लव लाइफ को लेकर। आपको जो गाइडेंस चाहिए, आई होप आपको उससे इस रीडिंग से वो लव लाइफ को लेकर जो गाइडेंस आपको चाहिए राइट नाउ वो मिल सके। इस रीडिंग में मैं दो कार्ड इस वाले डेक से पुल आउट करूँगी और दो कार्ड यस एक और डेक से पुल आउट करूँगी। सो स्टे ट्यून और बी माइंडफुल के सबके लिए रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी। इवन दो कि लव लाइफ की गाइडेंस है तो आई होप कि इससे आपको कुछ ना कुछ हेल्प जरूर मिलेगा। सो लेट्स डाइव इन टू द रीड। आई होप इट स्टेज क्विक। मैंने पहले दो दफ़ा रिकॉर्ड करने की कोशिश की, एक तो पता नहीं कितने मिनट की हो गई थी, 17 मिनट्स की, एंड देन आई वॉज लाइक ये तो बहुत ज़्यादा हो गया है। बट या लेट्स कीप इट शॉर्ट एंड प्रिसाइज। सो लेट्स सी कि लव लाइफ को लेकर आपको क्या करने की ज़रूरत है और क्या चीज़ें ऐसी हैं जो कि आपको हेल्प कर सकती हैं। लेट्स बिगिन। वन कार्ड प्लीज। गिव योर रिलेशनशिप अ चांस, वर्क ऑन योर पार्टनरशिप। अच्छा, जो लोग अपने करंट सिचुएशन में हैं, मुझे लगता है कि आप और आपको कभी कभी लगता है कि शायद गिव अप कर देना चाहिए। मे बी यू डोंट नीड टू गिव अप, अपनी लव लाइफ को एक और चांस दो। लेकिन जब आप उसको एक और चांस दे रहे हो, सो अपने माइंड से, अपने दिल से, जो भी पास्ट रहा है उसका, यू नो, जब आप किसी भी चीज़ को चांस देते हो और अगर आप पास्ट नहीं भुलाते हो और आप उसको फॉरगिव एंड फॉरगेट नहीं करते हो, आप कभी भी न्यू चांस नहीं दे सकते। स्पेशली रिकन्सिलिएशन, रिकिंडलिंग ऑफ अ रिलेशनशिप, वो तभी सक्सेसफुल रहती है जब आप उसके पास में जो हुआ है उसको अपने जहन से निकाल सको। और वो तभी पॉसिबल हो सकता है अगर आपको उस इंसान से सच्चा प्यार था या है। अगर आप उसके अगर आप उसके जो उसकी वीक पॉइंट्स हैं, अगर आप उसके ऊपर सोचोगे कि उसने पास में भी ये किया था, अभी वो ये करेगा, तो रिलेशनशिप विल नेवर वर्क। क्योंकि आपके जहन में जो इनिशियल आप उसको रिकन्सिलिएशन का पॉइंट बना रहे हो वही नेगेटिव है। सो इफ़ यू आर गिविंग अ चांस टू योर रिलेशनशिप, मेक श्योर कि आप अपने आप को हील करो। पहले जो पास्ट हुआ है उसको क्लियर करने की कोशिश करो। जो एनर्जीज आपके माइंड में या दिल में या दिमाग में, आपके माइंड में उसको लेकर जो भी चीज़ें हैं उसको, नेगेटिविटी को रिलीज़ करने की कोशिश करो, वन थिंग। उसके बाद वर्क ऑन योर पार्टनरशिप, आपकी जो बॉन्डिंग है उसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है। नाउ अगर आप ऐसे कुछ ऐसे लोग हैं जो जिनको लगता है कि बातचीत क्योंकि नहीं होती है, सो ऑलवेज वन थिंग वर्क्स इन दैट सिचुएशन, वो है कि आप मेंटल कन्वर्सेशन करो अपने पर्सन के साथ। बातचीत नहीं हो रही है, इट्स फाइन। आपने क्या करना है, रोज़ आप टाइम टू टाइम अपने पर्सन को, जैसे आप मैसेज सेंड करते हो, आप अपने माइंड में उसको एक मैसेज सेंड करो, उसका रिप्लाई जो आप चाहते हो वैसा रिसीव करो। उससे होगा क्या, आप एक तो पॉजिटिव रहोगे पहली चीज़, दूसरी चीज़ ये होगी कि वो जो आप कन्वर्सेशन कर रहे हो उससे आपको ये फील आएगी कि जैसे यू ऑलरेडी गॉट इट ऑल। जो गॉट इट ऑल वाली जो एनर्जी है वो आपकी लाइफ में वो चेंज लेकर आना शुरू कर देगी, और जहाँ पे आपके पर्सन के साथ कम्युनिकेशन जो है वो ओपन हो जाएगी। ट्राई दैट फॉर योरसेल्फ और आपको रिजल्ट मिलेगा। सो गिव योर रिलेशनशिप अ चांस। अगर आप गिव अप करने का सोच रहे हो तो मे बी एक लास्ट चांस देकर देखो, लेकिन जो लास्ट चांस है मेक श्योर कि यू गिव इट विद ऑल योर हार्ट एंड माइंड इन टू इट। कहीं ना कहीं शायद आप सोचते हो कि आपका पर्सन जब वो गिव इन नहीं करता 100%, लेकिन असल चीज़ ये है कि आप वो पास नहीं गिव आउट करते जिसके बाद आप गिव इन करोगे तो फिर आपको रिजल्ट मिलेगा। सो ट्राई दैट फॉर योरसेल्फ। एक और कार्ड लेते हैं, लेट्स सी वन मोर कार्ड। पास्ट लाइफ रिलेशनशिप, यू हैव नोन ईच अदर बिफोर। मुझे लगता है कि मेजॉरिटी लोग राइट नाउ जिनके साथ ये एनर्जीज मैच करेंगी, जिनकी लव लाइफ में जो इश्यूज़ हैं, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आप एक पास्ट के पर्सन में स्टक हो। चाहे आप उस चीज़ को एडमिट करो, कन्फेस करो, नहीं करो, लेकिन देर इज़ अ स्पेसिफिक समवन इन योर लाइफ जो कि आप जिसको भूल नहीं पा रहे हो, भुला नहीं पा रहे हो। कहीं ना कहीं जब भी आप कभी भी कुछ भी सोचते हो लव लाइफ को लेकर, अल्टीमेटली आपके जहन में वो पर्सन आता है। आप कितना मर्जी उस इंसान को अपने जहन से निकालने की कोशिश करो, बार बार आपके जहन में वो पर्सन आएगा, क्योंकि देर इज़ अ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, एक सोलमेट एनर्जी है उस पर्सन के साथ, और कहीं ना कहीं द डिवाइन रियली वॉन्ट्स यू टू बी बैक विद दैट पर्सन। कोशिश करो कि अगर ऐसी सिचुएशन है, ऐसी है, आप जहाँ पे ऐसे कनेक्शन में हो जहाँ पर आप मूव ऑन करना भी चाहो आपसे नहीं हो पाता है, तो कोशिश करो कि स्टॉप मूविंग ऑन टू अनदर पर्सन। अगर आप उस इंसान से दूर रहना चाहते हो थोड़ा टाइम के लिए, आप रह सकते हो, लेकिन अपने माइंड को कंफ्यूज़ नहीं करो। कहीं ना कहीं आपका कंफ्यूज़ करना आपकी रियलिटी में वो कंफ्यूजन शो कर रहा है, जहाँ पे शायद आपका पर्सन भी आपको लेके कंफ्यूज होता होगा। जहाँ पे आप अपने माइंड में क्लैरिटी ले आओगे कि यही पर्सन है, और आप स्टॉप कर दोगे ये सोचना कि नहीं शायद आपको मूव ऑन कर लेना चाहिए, आप खुद देखोगे कि आपके पर्सन के अंदर से भी जो इनडिसाइसिवनेस है करंट सिचुएशन को लेकर वो खत्म हो जाएगी। फिर से वीडियो लंबी हो रही है, आई वॉन्ट टू कीप इट शॉर्ट। लेट्स सी, दो कार्ड हम इस वाले डेक से भी लेंगे लव लाइफ को लेकर, और एक गाइडेंस क्या है आप लोगों के लिए। एक्सेप्ट, इस वर्ड को देखते साथ ही मेरे जहन में एक चीज़ आती है, जहाँ पे अक्सर आप हो सकता है कि आप अपने पर्सन को चेंज करना चाह रहे हो सकता है कि आपका पर्सन आपको चेंज करना चाह रहा हो,
ऐसी सिचुएशन में सालों साल लग जाएंगे, आप लोगों के इश्यूज सेम रहेंगे, लेकिन अल्टीमेटली आप दोनों को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, जैसे आप हो आपके पर्सन को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, जैसा वो है आपको वैसा एक्सेप्ट करना पड़ेगा। जब आप एक दूसरे को एक्सेप्ट कर लोगे द वे यू बोथ आर, तब आप देखोगे कि आपकी लव लाइफ में चेंज कैसा आता है, क्योंकि इट्स राइट नाउ जब आप करंट सिचुएशन में हो, शायद आप उसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो, उसके एटीट्यूड को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो, वो भी सेम कर रहा है, यू नो उसके एंड से भी सेम एनर्जी है, वो भी चाहता है कि यू नो आप उसके टर्म्स एंड कंडीशंस पे एग्री करो व्हेन इट कम्स टू योर लव लाइफ, लेकिन ऐसा वर्कआउट नहीं करेगा। आप सालों साल करने की कोशिश करते रहो, सेम ऑन एंड ऑफ सिचुएशन रहेगी आपकी, आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। सो एक्सेप्ट कि बंदा या बंदी ऐसी है, एंड देन जो आप चाहते हो मैनिफेस्ट करना उसको अपने माइंड में री यू नो स्टार्ट लिविंग दैट न्यू यू और न्यू वर्जन ऑफ योर पर्सन एज वेल। जब आप ये करोगे तो आप उसके अंदर जो चेंज आप चाहते थे वो आपको दिखना शुरू हो जाएगा, लेकिन अगर आप कोशिश करोगे कि वो चेंज हो जाए, ट्रस्ट मी वो तो डीट बन जाएगा, वो चेंज नहीं होएगा। सो ट्राई डूइंग दैट। क्रिटिसाइजिंग वन अनदर विल ओनली लीड टू फर्दर अनहैपीनेस, दैट्स एग्जैक्टली व्हाट आई सेड। यू नो एक एक्सेप्ट का कार्ड आई थिंक एक और किसी डेक में भी है, जब भी मैं वो कार्ड भी देखती हूँ तो इट्स लाइक यू नो यही माइंड में आता है कि वो यू नो ये अलार्मिंग सिचुएशन है जहाँ पे आप उसको चेंज करने की कोशिश करो, वो आपको चेंज करने की कोशिश करेगा, एंड देन होगा क्या, इशूज़ आएंगे और आप उसको बार बार कहोगे कि यू नो टाइम क्यों नहीं देता, टाइम क्यों नहीं देता, या मैसेज क्यों नहीं करता, मैसेज क्यों नहीं करता, भाई वो नहीं करने वाला है, जस्ट एक्सेप्ट दैट पर्सन द वे दे आर। एंड जब आप उसको लेके इशू नहीं क्रिएट करोगे तो उसके जहन में आएगा कि इशू क्यों नहीं क्रिएट करा, एंड दैट्स गोना ब्रिंग यू व्हाट यू वांट। सो ट्रस्ट मी यू कैन ट्राई दैट फॉर योरसेल्फ। लव एंड एक्सेप्ट ईच अदर एज यू आर, योर रिलेशनशिप विल मैजिकली ट्रांसफॉर्म। जब आप ये ट्राई करोगे तो आपके लव लाइफ में जो मैजिक आएगा वो आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। ट्राई फॉर योर सेल्फ, यू नो इस तरह की जो भी चीज़ें मैं आपको गाइड करती हूँ ना, आप उसको खुद से अपने लिए ट्राई करो, एंड आपको मैजिक ना मिला तो लाइफ ऐसी रहेगी जैसे है, लेकिन अगर आप ट्राई करोगे और मैजिक मिल जाएगा तो यू विल बी हैप्पी कि एटलीस्ट यू ट्राई इट। सो ऐसा हो नहीं सकता कि मैजिक ना मिले, ट्रस्ट मी इट विल ब्रिंग यू द मैजिक दैट यू वॉन्ट। लास्ट कार्ड, सीक्रेट एडमायरर, समवन हैज़ डीपर फीलिंग्स फॉर यू दैन दे आर लेटिंग गॉन। कुछ लोगों के लिए हो सकता है आपकी लाइफ लव लाइफ में, स्पेशली अगर हम बात करें, अगर आप ओपन हो टूवर्ड्स हैविंग अ न्यू पर्सन, अगर आप सिंगल हो और ये रीडिंग देख रहे हो और आपको ये अच्छा नहीं लगा कि साथ, यानी तो सिर्फ उन लोगों की बात की है, ये पास्ट पर्सन की बात की है, मैं तो मूव ऑन करना चाह रहा हूँ, ये आप लोगों के लिए कार्ड आया कि आपका हो सकता है आपकी लाइफ में कोई सीक्रेट एडमायर हो और उसके दिल में आपके लिए फीलिंग्स हैं, लेकिन शायद वो अभी बताना या एक्सप्रेस नहीं करना चाह रहा। हाँ, हो सकता है इन दैट सिचुएशन, हो सकता है कि ये पर्सन आपके वर्क फ्रंट पे हो कोई, या फिर ऐसी जगह पे जहाँ पर आप रेगुलर बेसिस पे जाते हो, जिस जो आपको यू नो विजिट कर रही हूँ, जो आपको व्हाट्स द वर्ड, जो आपको देखता है, हु इज़ बी यू नो हु इज़ वॉचिंग यू फ्रॉम अ डिस्टेंस, लेकिन अभी आपकी तरफ कोई एक्शन नहीं ले रहा। हो सकता है ये बहुत आपको ऑब्जर्व भी कर रहा हो, आपके क्लोज फ्रेंड्स में से भी हो सकता है, लेकिन ये जो भी पर्सन होगा ये आप क्या आपका इस इंसान के साथ कोई रिलेशनशिप नहीं रहा। सो इट कैन बी अ मैसेज फॉर द वंस जो सिंगल हैं और डाइंग टू बी विद समवन है, तो कोई ऐसा आपकी लाइफ में है जो कि शायद आपका पोटेंशियल पार्टनर बन सकता है, बट यस ट्राई टू एक्ट एज इफ कि अगर आपको एक कंफर्मेशन मिल सके कि ये पर्सन आपका लाइफ पार्टनर होने वाला है और वो आपको देख रहा है, यू नो अगर आप इमेजिन करो कि देर इज़ वन पर्सन जिसको आप इतने पसंद हो, जो आपको प्रपोज करने वाला है, तो हाउ वुड यू स्टार्ट बिहेविंग, क्या चीज़ें हैं जो आपके अंदर आपको लगता है कि आप बदलोगे अगर आपको पता होता कि आपकी लाइफ में वो पर्सन है, तो मे बी यू नीड टू वर्क ऑन दोज थिंग्स। जैसे somebody, यू नो अक्सर लोग होते हैं या यू नो जो अपने आप को बहुत ही ईजी छोड़ देते हैं, यू नो आप अपने अपना ख्याल नहीं रखते, आप हेयर डू नहीं करते हो, आप यू नो मेकअप नहीं करते हो, आप यू नो ड्रेसअप अच्छा नहीं करते हो, या आप शेव बढ़ा लेते हो क्योंकि आपकी लाइफ में कोई है नहीं, तो आप देवदास टाइप के बन के घूमते हो, कुछ भी ऐसा जो आप शायद अगर आप रिलेशनशिप में होते हो और आप नहीं कर रहे होते, तो स्टार्ट डूइंग दोज थिंग्स। उससे होगा क्या कि आप इस वाइब में होगे, जैसे यू आर हैविंग दैट वन पर्सन इन अ नॉन फिजिकल वर्ल्ड, और जब आपकी लाइफ में वो इमेजिनरी एक बंदा या बंदी आपकी लाइफ में होगा, तब आपका ये जो सीक्रेट एडमायर है वो आपकी लाइफ में जल्द से जल्द आएगा। सो मेक श्योर कि ऐसी चीज़ें करो जो कि आप शायद तब करते जो आप रिलेशनशिप में होते। सो व्हाट आर दोज थिंग्स, वो आपको खुद देखना है, एंड देन ट्राई टू वर्क ऑन दैट। सो ये थी रीडिंग आप लोगों की, आई वॉन्टेड टू कीप इट शॉर्ट, लेकिन फिर भी 10 मिनट की होने वाली है। सो या आई होप इट वॉज ऑफ हेल्प एंड विश यू ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय।